वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टॉक की बात की जाए, आज 16.85 पे ट्रेडिंग करा है स्टॉक। तकरीबन यहाँ पे 1.45 पैसे की गिरावट देखने को मिले, तकरीबन 8% तक गिरावट देखने को मिले HCC स्टॉक के अंदर, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन स्टॉक के अंदर। मीन जैसे ओपन हुआ था स्टॉक, तकरीबन आज देख सकते कि मोमेंटम जो है ऊपर चला गया था, पर ऊपर 19 लेवल पे रजिस्टर लगती है, यहाँ पे स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिली थी। पर रिसेंटली देख सकते कि कोविड की न्यूज आती है, यहाँ पे कोविड बढ़ने लगा है, ऐसी न्यूज आते ही स्टॉक काफी सारे स्टॉक्स के अंदर गिरावट, सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। जो रिसेंटली देख सकते हैं कि स्टॉक में यहाँ पे काफी गिरावट हो चुके हैं। रिसेंटली यहाँ पे HCC स्टॉक ने 17 लेवल को भी ब्रेकआउट दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जैसे देखी जाए तो तकरीबन देख सकते कि तकरीबन यहाँ पे एक नजर डालोगे तो सारे स्टॉक्स यहाँ पे रेड जोन में दिखाई दे रहे, काफी गिरावट सभी स्टॉक्स के अंदर देखने को मिले। निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, सभी में गिरावट देखने को मिले। पिछले 5 दिनों में स्टॉक के अंदर 18% की गिरावट हो चुके। वॉल्यूम की बात की जाए तो ट्रेडेड वॉल्यूम 4,59,00,000 का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है। ट्रेडेड वैल्यू जो है टोटली 8,277,00,000 का ट्रेडेड वैल्यू है। बाकी के जो डिटेल्स है यहाँ पे देखे जाए तो देख सकते कि तकरीबन बाइंग के लिए 32,00,000 क्वांटिटी पेंडिंग है, तो सेलिंग के लिए जो है 68,00,000 क्वांटिटी पेंडिंग दिखाई दे रहे। तो तकरीबन यहाँ पे देखा जाए तो बाकी के डिटेल्स के ऊपर नजर डालेंगे। सिक्योरिटी वाइज यहाँ पे देखा जाए तो सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन पे डाटा अनअवेलेबल है रिसेंटली। तो देख सकते कि तकरीबन यहाँ पे चार्ट के ऊपर नजर डालेंगे। चार्ट देखा जाए तो पिछले 3 दिनों से काफी गिरावट स्टॉक के अंदर देखने को मिले है। मीन्स तकरीबन यहाँ पे देखा जाए तो तकरीबन यहाँ पे पिछले 3 दिनों से तो गिरावट होती हुई नजर आ रहे। तो रिसेंटली नीचे आता है तो तकरीबन 200 मूविंग एवरेज जो 15 लेवल के नीचे है वहां तक जाने की गिरावट होने के चांसेस दिखाई दे सकते हैं स्टॉक के अंदर। तो ये लेटेस्ट अपडेट HCC के लिए।